कौन नशे में नहीं तुम्हारे मुँह से जवान आने का नहीं पहले देश के फरुखाबाद में जनहित टाइम्स की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां डीएम मानवेंद्र सिंह ने एम्बुलेंस में शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 102 और 108 सरकारी एम्बुलेंस में अधिकारी और कर्मचारियों का जान छलकाते हुए और गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसको जनहित टाइम्स ने प्रमुखता से दिखाया था। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं डीएम मानवेंद्र सिंह ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए वीडियो में दिख रहे कर्मचारियों के खिलाफ सीएमओ को जांच सौंपी है। सर, फरुखाबाद में कुछ एम्बुलेंस कर्मी और उसके एक हेड का जो है वीडियो वायरल हुआ है शराब पीने का एम्बुलेंस के अंदर, क्या पूरा प्रकरण है, किस तरीके की कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? हाँ, मुझे संज्ञान में लाया गया था। कुछ वीडियोज़ इस तरह के हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, मैं नहीं जानता वो कौन व्यक्ति है। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो एम्बुलेंस से रिलेटेड व्यक्ति हैं, तो मैंने इसके लिए सीएमओ को बता दिया कि वो इस पर पूरे प्रकरण जांच करेंगे और जांच करके हम जांच कर रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी किस तरह सरकारी एम्बुलेंस में गाने सुनते हुए जान छलका रहे हैं और मरीजों की परवाह ना करते हुए खुलेआम सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में बीते कुछ समय पहले एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल के बाद कई कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, जिसके बाद लगातार विभाग में नियुक्ति और नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू हो गई। इसी भर्ती की प्रक्रिया के दौरान प्रोग्राम मैनेजर सौरभ चौहान की भी भर्ती की गई, जो बीजेपी विधायक का करीबी भी बताया जाता है। नई भर्ती के दौरान सौरभ चौहान की भी नियुक्ति की गई, जिसके बाद से सौरभ लगातार विवादों के घेरे में है। लेकिन एम्बुलेंस में शराब पीते हुए सौरभ चौहान का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि जनहित टाइम्स की खबर दिखाने के बाद डीएम ने मामले में जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। फरुखाबाद से जनहित टाइम्स के लिए आदेश यादव की रिपोर्ट। कौन नशे में जवान आने का नहीं पहले